रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन के भारतीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। लावरोव ने शुक्रवार को दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद कहा कि हमारे राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री को थैंक यू कहा है। लावरोव ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल आयात करना चाहता है तो अमेरिकी प्रतिबंधों से लेकर पेमेंट सिस्टम तक सबका रास्ता निकल आएगा। हम भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। अगर भारत हमसे कुछ भी खरीदना चाहता है तो हम बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रूस और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यूएस के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह ने भारत को चेतावनी दी थी। दलीप सिंह ने कहा है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले देशों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत के ऊर्जा और दूसरी चीजों के आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़े। दलीप सिंह भी इस वक्त भारत में हैं। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने यूक्रेन मुद्दे पर भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत बिना किसी दबाव में आए सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रूस की तरह ही भारतीय विदेश नीति की भी एक खासियत है, बिना किसी दबाव में आए अपने राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित रहना। ये हम बड़े देशों को अच्छे दोस्त और वफादार भागीदार बनाता है। लावरोव से जब पूछा गया कि क्या भारत पर अमेरिकी दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित करेगा, तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, कोई दबाव हमारी पार्टनरशिप को प्रभावित नहीं कर पाएगा। सुरक्षा चुनौतियों के मामले में रूस भारत का कैसे समर्थन करता है, इस पर लावरोव ने कहा, बातचीत उन संबंधों की विशेषता है जो हमने कई दशकों तक भारत के साथ विकसित किए हैं। संबंध रणनीतिक साझेदारी है, ये वो आधार था जिस पर हम सभी क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर लावरोव ने कहा, हम इसे युद्ध कह रहे हैं लेकिन ये सच नहीं है, ये एक स्पेशल ऑपरेशन है जिसमें यूक्रेनी आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। लावरोव ने कहा, रूस का मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाले वक्त में कीव की सरकार रूस के लिए कोई खतरा न बन जाए। आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या रिएक्शन है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।